तो दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा कि आप फ्री में स्टोर ओपन करके, दुकान ओपन करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं, आपको ना प्रोडक्ट बाय करना है, ना प्रोडक्ट को यहाँ पे कुछ कहीं से लाना है, यहीं पे आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा, यहीं पे आपको कस्टमर भी मिलेंगे। बस आपको दुकान ओपन करके आपको उसमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि ये प्रोडक्ट मेरे दुकान में रहे। आपको उसको ना डिलीवरी करना है, ना उसमें कोई तामझाम करना, केवल आपको जस्ट क्लिक करके सेलेक्ट करना है। और क्या करना है पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा, अकाउंट क्रिएट करने से लेकर के पेआउट कैसे लेना है सभी चीज समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। गूगल में आप सर्च कर लेंगे teespring.com, तो ये साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसका पहले ट्रैफिक दिखा देता हूँ। यहाँ पे 29 लाख महीने के ऑलरेडी आ रहे हैं, किसी महीने में उससे ज्यादा भी आते हैं, देख सकते हैं 2.9 मिलियन इसका ट्रैफिक है। और यहाँ पे 37% यूएसए के लोग हैं और फ्रांस से 4%, कनाडा, जर्मनी, यही सभी कंट्री से आते हैं। यानी कि आपको पर प्रोडक्ट का एक सेल का, जैसे आपने एक टी शर्ट डिजाइन किया उस पर आपको $10, $15 वो आपके ऊपर है। लेकिन ये साइट अगर जो ये साइट प्रॉफिट कर रही है कि आप इतने में सेल कीजिए तब भी आपको $10-15 मिल जाएगा, यानी कि एक सेल का आपको ₹1,000 तक की अर्निंग हो जाएगी। डायरेक्ट इस साइट पे 50% लोग आते हैं, यानी कि 15 लाख लोग यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं सर्च करने प्रोडक्ट की। कोई उनको अच्छा प्रोडक्ट लगता है तो डायरेक्ट बाय करने आते हैं। सर्च, गूगल सर्च में भी यहाँ पे 22% लोग यहाँ पे गूगल सर्च से के थ्रू भी करते हैं। केवल 17% लोग यहाँ पे सोशल मीडिया या फिर रेफर के थ्रू आते हैं, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट को जो है अपने प्रोडक्ट को लोग प्रमोशन करते हैं तो यहां से आते हैं, नहीं तो डायरेक्ट और सर्च में यहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ठीक है, अब यहां पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है और यहां पे सेलेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट क्रिएटिंग के ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट क्रिएटिंग का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नेम डालना है, आप अपने ब्रांड का नेम डालिए। जैसे आप अपना नेम डाल सकते हैं, जैसे आपका ये दुकान है तो दुकान का क्या नाम आप डाल सकते हैं, तो आप इसी के हिसाब से आप एक ब्रांड का नाम डाल दीजिए। जैसे आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है, जिस ईमेल एड्रेस पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। जेन्युइन होना चाहिए, पेपाल का अकाउंट या पेयर का अकाउंट होना चाहिए। पेपाल यहाँ पे परफेक्ट है, पेयर उतना अच्छे से नहीं चलता, तो पेपाल का अकाउंट होना चाहिए आपके पास, तभी यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर जो नहीं है तो आपको यहाँ पे पहले अर्निंग कर लीजिए, 2 मिनट में आपका पेपाल का अकाउंट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड, वही पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद साइनअप पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट जो हो वो बनके क्लियर हो जाएगा, आपके जीमेल आईडी पर लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना जीमेल आईडी कन्फर्म कर लीजिएगा। उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। ऐसा नहीं केवल उतना ही आपको करना है, आप यहाँ उतना कर लीजिएगा, अकाउंट आपका बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं अंदर का प्रोसेस बता देता हूँ कि अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा यहाँ पे, कि किस तरह आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे इस तरह का आपका डैशबोर्ड दिखाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दोस्तों ये दिखाई दे रहा है आपका प्रोफाइल, और यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट, और इन्हीं प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। कैसे करना है वो मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा। सेल करने का मतलब दोस्तों केवल सेलेक्ट करना है आपको अपने स्टोर में, और आपको कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलाई दे रहा है, ये फिर ये फिर ये, इस तरह के सभी 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेन ऑप्शन है, इस पर आपको आना, क्लिक करना, स्टोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका स्टोर दिखाई देगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड का आपको दिखाई देगा, स्टोर का, स्टोर मतलब आपका दुकान हो गया। ठीक है, यहाँ पे व्यू स्टोर, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर बनाया है डिजिटल प्रोडक्ट के नाम पे। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप इसका नाम बदल सकते हैं। जैसे मुझे इस स्टोर का नाम अपने चैनल के नाम पे रखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ये मेरा स्टोर हो गया। ठीक है, व्यू स्टोर पे क्लिक करके अपना स्टोर देख सकते हैं, एडिट नेम पे क्लिक करके अपना नाम भी एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर का नाम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्टोर एडिटर, यहाँ पे क्लिक करके आप पूरा स्टोर का जो है पूरा चीज एडिट कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुटर का आप प्रोडक्ट सभी चीज यहाँ पे है, यहाँ पे हीरो बैनर सभी चीज यहाँ पे बैकग्राउंड में इस तरह का आपका दिखेगा, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, और यहाँ पे आप फोन में देख सकते हैं इस तरह का दिखेगा। इस तरह प्रेजेंट टाइम में मेरा जो है स्टोर वो देख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडिट करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट इमेज, आप अपने यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टोर का। जैसे यहाँ पे ये लोगो है वो अपने स्टोर का भी लोगो आपका दिखेगा। तो जैसे मैं सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट इमेज पे, मेरा यहाँ पे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आप अपने फ़ोन में इजिली कर सकते हैं, कोई भी आप रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यहाँ पे
इससे ही करेंगे आप। यहाँ पे फोन में भी ये चीज चलता है बहुत ही आसानी से और ऐसे ही चलता है जैसे कंप्यूटर में चलता है, बस कंप्यूटर का स्क्रीन बड़ा होता है इसलिए मैं यहाँ पे कंप्यूटर में दिखा रहा हूँ। जैसे मुझे ये चीज बैकग्राउंड में मुझे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं एक फोटो अपलोड कर दूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आपका स्टोर में ये दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर जो डेस्कटॉप में ये चीज देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन, यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कोई रेड कलर करना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं ये वाला बैकग्राउंड आपका इस तरह का दिखाएगा आपको। मैं जस्ट क्लियरली दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर जो यहाँ से आपको अर्निंग करना, अगर जो कोई और कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको टेम्पोररी जस्ट बता रहा हूँ, आप अच्छे से ये कर लेंगे, यहाँ पे अपना फोटो लगा सकते हैं या फिर आप एक लोगो बना लीजिए अपने हिसाब से, जैसे चैनल का लोगो बनता है। इजिली आप कैनवा में जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा, फ्री में आपको मिलता है सब कुछ, आपको कुछ करना भी नहीं है वहां पे। ऑलरेडी बहुत सारे लोगो बनाना है, केवल आपको टेक्स्ट चेंज कर देना, वो चीज आप इजिली कर सकते हैं जो लोगो आपको पसंद आए। जैसे मैं कैनवा भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों मैंने कैनवा ओपन कर लिया और यहाँ पे केवल मैंने ये सर्च किया है लोगो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता कैनवा पे, अब बहुत सारे लोगो आ गए, बस आपको एक चीज का ध्यान रहना पड़ेगा, ये जो आपको ये यहाँ पे पेड ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रो वाला, ये ऑप्शन पेड आपका दिखाई दे रहा है तो इसको नहीं सेलेक्ट करना। जैसे ये ऑप्शन आपका फ्री है तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन फ्री है, ये फ्री है, ठीक है। जिसपे डॉलर और ये वाला ऑप्शन बना है इसको आपको सेलेक्ट नहीं करना, बस। उसके बाद आपको कोई भी डिजाइन यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे आपको ये पसंद आया, ये पसंद आया, जैसे मुझे ये डिजाइन पसंद आया फिर ये, ठीक है, मैंने इस पे सेलेक्ट किया, ये पेड नहीं है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक डिजाइन क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओपन हो गया, अब यहाँ पे कैसे डिजाइन क्रिएट करना वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो जाए लेकिन आप पूरा देखिएगा, जो लोग यहाँ पे वीडियो छोड़ के चले गए होंगे उनको आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा पार्ट छोड़ देने वाले हैं या फिर स्किप कर दिए हैं वो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको जस्ट एड देखकर अर्निंग करना है और सब देखकर, यहाँ पे आपको 5-10 मिनट, एक दिन आपका लग जाएगा पूरा मेंटेन करने पे। प्रोडक्ट रोज आपको 5 मिनट लगेगा ये सेलेक्ट करने में, और सेलेक्ट करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं बहुत ही इजिली। तो आपको इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आपको जस्ट एक पैसिव इनकम चालू हो जाए, आपको कुछ और नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंडिया लिखा है तो मैं इंडिया के दर पे अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, गोल्डन है, इसको आप हटाना चाहते हैं हटा दीजिए। ये चैनल का नाम है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको छोटा बड़ा भी कर देना है आपको, तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मेरा ये लोगो एडजस्ट हो गया मैंने यहाँ पे। और भी आपको कुछ लिखना है तो टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी फॉन्ट चूज कर लेंगे जो यहाँ पे फ्री वाला, ठीक है, सभी नहीं चूज करना है, जैसे ये वाला प्रो वाला है ये फ्री वाला चूज कर लेंगे। और भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे भी नीचे भी लिख के एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसको भी मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे है यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। और इसका भी फॉन्ट चेंज करना है, सब्सक्राइब का कलर चेंज करना है, तो ये मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट इसको एडजस्ट कर दिया और यहाँ से मुझे कलर चेंज करना है, मुझे ब्लैक करना है, मैं ब्लैक कर दूंगा। फिलहाल ब्लैक यहाँ पे छुप जा रहा है बैकग्राउंड में, ये कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे इसको फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे शेयर करके डाउनलोड भी करना है तो कर लेता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद इसको मैं डाउनलोड कर दूंगा और वहां पे अपलोड कर, तो बहुत ही इजी बेस है, लेकिन आपको जस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप चीजों को ट्राई नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर जो आपको ऑनलाइन काम करना है तो चीजों को ट्राई करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने जो लोगो डाउनलोड किया था वो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको अगर जो आप ट्रांसपेरेंट भी करना चाहते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड आपका ना आए केवल लोगो आए, तो ये भी आप गूगल रिमूवर में जाएंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे बैकग्राउंड रिमूवर, और वहां से आप ये बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। तो सभी चीज इजिली हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज तो हो गया, आप यहाँ पे थीम भी सेटिंग कर सकते हैं, इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक थीम्स, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं दूसरा कलर। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने ब्लैक वाला सेलेक्ट किया तो जहां से ब्लैक है वहां पे दूसरा कलर हो जाएगा, इस तरह का आप कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये सेलेक्ट किया तो इसका बैक यहाँ पे थीम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये व्हाइट वाला थीम जो है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे दूसरा कलर चाहिए। तो थीम मतलब दोस्तों यहाँ पे हुआ ये हल्का फुल्का, ये जो लाइनिंग है ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, लेआउट आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या है। अब यहाँ पे बैनर, हीरो बैनर ये दिखाई दे रहा है, इसको भी आप चेंज करना चाहते हैं। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, कोई भी इमेज, ये बैकग्राउंड जो हीरो वाला बैनर है वो सेलेक्ट यहाँ पे अलग हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये फोटो मैं सेलेक्ट कर लूंगा और ये फोटो जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पे बैकग्राउंड जो इसका वो है
यहाँ पे रिकमेंडेड साइज, यहाँ पे साइज एक्सेप्टेड नहीं है शायद, तो ये देख सकते हैं कि साइज एक्सेप्ट हो चुका है कि नहीं। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे साइज नहीं एक्सेप्ट कर रहा था तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको जाके आप कैनवा में फिर से इजिली बना सकते हैं इस साइज का, आप गूगल उसी में सर्च कर लेंगे रिकमेंडेड साइज ये वाला, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहां पे बना सकते हैं। फोन में भी कैनवा भी चलता है, टीस्प्रिंग भी चलता है, इजिली सभी चीज आपको चलता है। अब यहाँ पे और फिर से लेआउट पे क्लिक करेंगे, इसका प्रोडक्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल जो है प्रोडक्ट का वो भी सभी चीज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो वो आके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। अगर जो एक एक चीज में आपको जस्ट बताऊंगा, अगर जो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं अलग से बना दूंगा एक वीडियो की कैसे स्टोर क्रिएट किया जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे मैं आ गया, अब यहाँ से प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना उसके लिए क्रिएट प्रोडक्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। और एक बात दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रहा, यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप पूरा अपना डिटेल्स डाल दीजिएगा, जैसे यहाँ पे योर चेंज योर इन्फो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना नाम डिस्प्ले नेम डाल दीजिएगा, डिस्प्ले नेम जैसे मेरा यहाँ पे आरएम टच स्टोर नेम दिखाई दे रहा, यहाँ पे राकेश मौर्या दिखाई, तो ये चीज यहाँ पे आप डिस्प्ले नेम भी दिखा देंगे तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले नेम दिखाई देगा। फोन नंबर डाल दीजिएगा, अपना एड्रेस डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब तक एड्रेस नहीं डालेंगे आपको यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो आप पूरा चीज डाल दीजिएगा। फिर अपडेट इन्फो पे क्लिक करके अपडेट कर दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिखाई देगा, और नीचे जो मेन बेस है सेट योर पेपाल एड्रेस, आप अर्निंग कर लेंगे लेकिन अर्निंग विड्रॉ कैसे लेंगे, तो पेपाल का एड्रेस यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे यहाँ पे ईमेल आईडी पे उसका डाल दीजिएगा, फिर से दोबारा ईमेल आईडी उसका दो बार डाल के यहाँ पे सेट पेपाल एड्रेस डाल देंगे। और इसको आपको डबल वेरिफिकेशन भी यूज कर सकते हैं, इसको अपडेट टू फैक्टर सेटिंग, इसको मतलब लॉक भी कर सकते हैं डबल वेरिफिकेशन, जिससे आपका अकाउंट कभी हैक भी होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये चीज अलॉक करने के लिए आप यहाँ पे गूगल ऑथराइजेशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन है कि प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करें, तो प्रोडक्ट क्रिएट करने का जो मेन जरिया है यहाँ पे आपको आना है और क्लिक करना है क्रिएट प्रोडक्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट प्रोडक्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, उसमें आपको जस्ट फाइंड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड करना है, जैसे बेस्ट सेलर, न्यू प्रोडक्ट, आपको जिस तरह का चाहिए, जैसे मुझे बेस्ट सेलर जो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो मुझे चूज करना है। तो ये सभी प्रोडक्ट जो देख सकते हैं बहुत ज्यादा बिक रहे हैं इस समय, तो मैं जैसे ये प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर कोई और भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये सिंपल सा ये प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें मुझे डिजाइन बनाना, आप एक प्रोडक्ट में थोड़ा सा कुछ लिख देंगे डिजाइन बना देंगे तो आपको ये 50, 100, 200, 500 प्रोडक्ट में भी ये चला जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे ही टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे प्रोडक्ट में जो है कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख सकता हूँ, या फिर कोई फोटोज भी आप लगा सकते हैं। कैनवा मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत सारे लोगोज मिल जाते हैं, बहुत सारे चीज मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक राज की बात बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे यूएसए में ज्यादा सेल होता है, यूके यूएसए, आप कोई फेमस मूवी निकले, ठीक है, आपका कोई फेमस मूवी निकले जो हॉलीवुड वाला, उसमें अगर जो कोई हीरो है या फिर उसका फोटो या फिर उसका नाम लिख के, मूवी का नाम लिख के उसमें कोई डायलॉग्स वो लिख के अगर जो आप सेल करेंगे तो बहुत ही इजिली बहुत ही हाई फाई यहाँ पे सेल होने का चांस रहता है। तो ये चीज आपको पहले ही मैं ये बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट में मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, या फिर अपना नाम भी डाल सकता हूँ, या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखना है, मैंने टी शर्ट डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, इजिली लिख दिया टी शर्ट, ठीक है, मैंने टी शर्ट ही लिख दिया। अब यहाँ पे टी शर्ट, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे टी शर्ट दिखाई दे रहा, ठीक है। अब इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है, अब इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना, फोन में भी इसी तरह यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं ये मेरा फॉन्ट जो है वो अलग हो गया। अब इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ इस तरह का घुमा के, आप फोन में इसको अपनी उंगली से इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। ये टी शर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे नीचे करना है तो नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे करने के बाद यहाँ पे मुझे एक इमेज लगाना है, तो यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करना है, हमें ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा ये अंदर वाला मेरा गैलरी खुल जाएगा। अगर जो फोन में आप गैलरी यूज, आप गैलरी है आपका, तो आपका गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी लोगो लगा सकता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे ये चीज लिखना है, या फिर कोई भी टी शर्ट यहाँ पे लगाना है, जैसे मैंने ये टी शर्ट है, टी शर्ट का ही मैं डिजाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज थोड़ा छोटा है तो इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का आप यहां से बड़ा कर सकते हैं। मुझे यहां पे टी शर्ट ही लगाना था, आपको मैं ये जस्ट क्रिएटिविटी बता रहा हूं कि कैसे आप यहां पे ये चीज कर सकते हैं, आपको इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब इसको अगर जो आपको नहीं पसंद है तो डिलीट भी कर सकते हैं, मैंने यहां पे जस्ट टी शर्ट ही लिखा तो टी शर्ट ही छोड़ देता हूं। मैंने आपको जस्ट दिखाऊंगा
कि मैंने कैसे अपने चैनल का नाम लिख के बनाया, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे इमेज कैसे लगाना है सभी चीज मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे कलर भी आपका एक फोटो आपने बनाया, अब इसका साइज आपका एल है, एक्सएल है, कोई भी साइज हो वो हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे देख सकते हैं कलर, आप देख सकते हैं किस कलर पे कौन सा अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे कलर भी बहुत सारे हैं, अब इस कलर पे सभी कलर पे आपको नहीं बनाना, एक कलर पे आपने बना दिया हो गया। यहाँ पे फिर बैक का ऑप्शन है, फ्रंट और बैक है, बैक का ऑप्शन पे भी जाके ये चीज बना सकते हैं, ये चीज बैक आपका दिखने लगा। अब बैक पे भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं उसी प्रोडक्ट में तो बैक का भी दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब सब आपने बना दिया, अब यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं ये $41 का है, $41-42 का है, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट आपका कितना है, $10, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा मोस्ट क्रिएटिव पॉइंट, अगर जो इसमें आपको इसका रेट आपको जैसे ही आपको $20 चाहिए, आप इसका $50 डाल सकते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका $18 हो जाएगा। आप इसको $100 डाल देंगे तो आपका प्रॉफिट जो है, यहाँ पे $100 डाल देंगे तो आपका प्रॉफिट $68 है। तो मेन मुद्दा है कि यहाँ पे इनका बिड प्राइस भी दिखाई दे रहा है कि मेन प्रॉफिट जो है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ये बिक सकता है वो 42 पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे डॉलर का बिक सकता है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे मेन जो प्राइस है या फिर जो इनका प्रॉफिट है, जो इन्होंने अपना प्रोडक्ट पे पहले डाला वही आप डाल देंगे तो आपको $9-10 तो मिलने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं $11 का आपका प्रॉफिट होने वाला, ठीक। इतना करने के बाद देख सकते हैं अब यहाँ पे यूरो में अगर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा तो आपको 18 यूरो का प्रॉफिट होगा, ये चीज ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना या फिर एडवांस सेटिंग में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलर सभी चीज दिखाई दे रहा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका प्रॉफिट आपको समझ में आ गया कि कितना प्रॉफिट मुझे होने वाला है, ठीक है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट, आपने एक प्रोडक्ट में बताया केवल इसमें, इसमें आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इस तरह के सभी प्रोडक्ट में आ गए और भी इससे रिलेटेड जो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट है सब में आपका ये डिजाइन आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें कलर भी, आप तो एक प्रोडक्ट में बनाए, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, चार में अगर जो यहाँ पे 10-10 कलर है, यहाँ पे 9 कलर और है, यहाँ पे 4 कलर और है, यहाँ पे 4 कलर प्लस है, ठीक है। तो यानी कि आपको 50 तरह के कलर्स हो गए, ठीक है, और 50 तरह में आपको साइज भी बहुत है। तो यहाँ पे 400-500 प्रोडक्ट में आपने एक बार इसमें 63 लिखा, 500 प्रोडक्ट में आपका 63 जो है वो छप गया, और 500 प्रोडक्ट आपके एक सेलेक्ट करने पे 500 तरह के 63 आपके स्टोर में आपके सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही करना, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पे कंटिन्यू इजिली यहाँ पे प्रोडक्ट में एड हो जाएगा स्टोर में, ठीक है। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो इस तरह का ऑप्शन खुल गया दोस्तों, और यहाँ पे डिजाइन मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया था, अब फिर से डिजाइन करने के लिए बोल रहा है तो आप फिर से भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो सभी प्रोडक्ट को जैसे मैंने दोस्तों वहां पे डिजाइन क्रिएट किया था, वहां पे एरर बता दिया था, तो सभी जैसे वहां पे क्रिएट करेंगे तो सभी चीज आप वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी स्टाइल के प्रोडक्ट हैं सभी चीज को सेलेक्ट कर गया, जैसे तीनों दिखाई दे रहा मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट या न्यू लिस्टिंग का आपको यहाँ पे टाइटल्स डालना, तो आप टाइटल्स क्या डालेंगे, यहाँ पे लोगोस जो लगाए हैं उसके बारे में आप टाइटल जानें, जैसे कोई बहुत ही फेमस मूवी यहाँ पे हॉलीवुड का लॉन्च हुआ, आप हॉलीवुड का नाम यहाँ पे मूवी का नाम डाल के या फिर डायलॉग का नाम डाल के या फिर हीरो का नाम डाल के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक्टर का नाम डाल के यहाँ पे आपने डाल दिया, उसका फोटो डाल दिया, अब उसी का नाम आपको टाइटल्स में डालना, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैंने टी शर्ट लिखा तो जस्ट मुझे टाइटल्स में यही लिखा है कि मैंने टी शर्ट लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे टी शर्ट ही लिख दिया, ठीक। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखना है उसके बारे में कि आपने टी शर्ट, तो जस्ट माई डिजाइन इज टी शर्ट, मैंने यहाँ पे ये लिख देता हूँ, जस्ट माई डिजाइन इज टी शर्ट, ठीक है, ये मुझे लिख कर डाल देना है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। आखिर में आपको अगर जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा, जिस प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे इजिली आपको थोड़ा सा बताने के लिए बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एडवांस का ऑप्शन, इस पे ये ध्यान देना है, एडवांस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पब्लिक से रहना है, यहाँ पे तीन चीज है, अनलिस्टेड, प्राइवेट, पब्लिक, तो आपको पब्लिक सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहे। यहाँ पे एडिट यूआरएल हैंडल, इससे आपको नहीं लेना देना है। उसके बाद यहाँ पे मेन है, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टोर का आपको जो स्टोर बनाए रहेंगे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो स्टोर है, ठीक है, ईबुक्स, टॉप ईबुक्स मैंने एक बनाया था, एक डिजिटल प्रोडक्ट, तो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट वाले में जस्ट इसको पोस्ट करना, तो मैंने यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये तो मैंने ऑलरेडी वैसे ही टेम्पोररी बनाया था, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लॉन्च लिस्टिंग पे क्लिक करना है, लॉन्च लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे व्हाट इज द नेक्स्ट, आपका जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। अब चलना आपको स्टोर में, आप स्टोर में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यूआरएल देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशन टी शर्ट विद द लाइव, यहाँ पे मेरा जो 63 है वो लाइव है।
अब यहाँ पे एक चीज और ऑफर है दोस्तों, अगर जो आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों को हायर करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम यूट्यूब या फिर फेसबुक पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कोड आप कॉपी कीजिए, ठीक है, आप यहाँ से ये कोड कॉपी कर सकते हैं और इसको यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। लोग इस कोड को अगर जो यहाँ पे डाल के इसको सेल करेंगे तो एक्सपायरेशन आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे होता नहीं है आपको कि एक वीक में इस प्रोडक्ट को बाय कीजिए तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा, ये कोड आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका प्रोडक्ट भी सेल होगा, उसको भी प्रॉफिट होगा, 10% आप मिलेगा और आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो होने वाला है, जो आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट था वो आपका प्रॉफिट होगा ही, तो आपको $3-4 उसको सस्ता मिल जाएगा, इसके थ्रू भी वो जल्दी जानता। तो इसको एक्टिव कर देंगे, तो एक्टिव कर देंगे अगर जो, तो यहाँ पे ऑलरेडी यू ऑलरेडी लिविंग इन द डिफरेंस कोड, यहाँ पे आपको जस्ट ये मैंने यहाँ पे एक्टिव किया था पहले वाले में, इसलिए ये एक्टिव नहीं हो रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे एक्टिव करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा, ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आपको दिखा है, अब व्यू लिस्टिंग, अब मुझे जाना स्टोर में, स्टोर में मैं क्लिक करूंगा, स्टोर में जाके अपना प्रोडक्ट मुझे देखना है कि क्या मेरा प्रोडक्ट किस तरह मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जस्ट मैं ये स्टोर में जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे व्यू स्टोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही व्यू स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मुझे मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे लाइव दिखने लगेगा कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे डाला है। तो देख सकते हैं ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे अपना डाला था, पहले मैंने डाला था, देख सकते हैं ये प्रोडक्ट, ठीक है, अपने चैनल का नाम लिख के। उसके बाद ये मैंने 4 प्रोडक्ट यहाँ पे फिर से फाइंड कर दिया है, आपने एक डिजाइन बनाया था, 4 तरह के प्रोडक्ट हैं। अब कोई आएगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करेगा और यहाँ से जब बाय करेगा, बाय इट नाउ, आपको और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। अब इसको वो ये वाला अच्छा लगा कलर, आप दूसरा, इसमें एक ही कलर है, अगर जो और कोई कलर है उसको वो अच्छा लगा तो वो कलर भी यहाँ पे चूज कर लेगा। साइज यहाँ पे कोई भी आप वो सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ पे 5XL सेलेक्ट करेगा, ऐड टू कार्ड करेगा, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर जो कोई इसको बाय करने वाला है तो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे दो लोगों ने, मान लेता हूँ भाई मैंने ही क्लिक किया था, तो दो लोगों ने बाय करना चाहा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मुझे आ गया था और यहाँ से मुझे बैलेंस मिल जाएगा जो भी मुझे यहाँ पे दिखाया गया था कि आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट। तो आपको पूरा चीज समझ में आ गया, वीडियो ऑफकोर्स लंबा हो गया लेकिन आपको पूरा चीज मैंने क्लियर कर दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर जो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।